गुड मॉर्निंग। ये हमारे लारावेल डेवलपमेंट का आज डे थर्ड है, थर्ड लेक्चर है, और इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस दो लेक्चर में मैंने जो हमारी मशीन को रेडी कर लिया था, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमने रेडी कर लिया है, एक्सएम्प हमने इंस्टॉल कर लिया है, साथ साथ मैंने वीएस कोड एडिटर इंस्टॉल कर दिया है, गिट एससीएम मैंने इंस्टॉल कर लिया है ताकि हम अपना सोर्स कोड को मैनेज कर पाएं, और मैंने एक रिपोजिटरी को इंटरनेट पर गिटहब पर अपलोड करना भी मैंने आपको इन 5 स्टेप्स की कमांड से मैंने आपको सिखा दिया है। चलिए अब हम रियल डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। हम लारावेल का प्रोजेक्ट बेसिकली हम सेटअप करेंगे। सो लारावेल क्या है? लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, ठीक है। सो फ्रेमवर्क का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे टूल्स एंड सेट्स जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने डेवलप कर दिए हैं डेवलपर्स के लिए, ताकि वो अपने कोई से भी एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इजीली इन फ्रेमवर्क्स की मदद से इजीली आप अपनी वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादा आपको हार्डवर्क नहीं करना होता है अगर आप फ्रेमवर्क यूज करते हैं, ठीक है ना। सो पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो उसके ट्यूटोरियल्स आपको W3C स्कूल्स के पीएचपी सेक्शंस पे मिल जाएंगे। तो इन सारे बेसिक फंडामेंटल्स पे भी हम धीरे धीरे बात करेंगे, और साथ साथ हम फ्रेमवर्क्स को भी इंस्टॉल करके हम देखेंगे। तो जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें प्रायर आपको पीएचपी का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी सीरीज में मैं आपको पीएचपी के बेसिक फंडामेंटल्स और साथ साथ लारावेल डेवलपमेंट पे भी हम कैसे आगे हम बढ़ सकें वो सारी चीजें साथ साथ हम करते चलेंगे, ठीक है। तो आपको laravel.com वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा आपके पास? डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। ये लारावेल का क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है। और यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको क्या मिलेगा? वर्जन हिस्ट्री, ठीक है ना। तो आप लारावेल के कौन से वर्जन पे काम करना चाहते हैं? तो ऑब्वियसली हम लेटेस्ट वर्जन पर ही करना चाहेंगे वर्क। सो आज की डेट 3 मई 2024, टिल टुडे जो लारावेल का वर्जन है वो अभी 11 चल रहा है। हो सकता है 6 महीने बाद 12 आ जाए, हो सकता है साल भर बाद 13 आ जाए, 14 आ जाए। तो ये हर 6 महीने में, साल भर में इसके वर्जन्स अप टू डेट होते रहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आज आपको लारावेल 11 पढ़ा रहा हूं तो ये आज का बना हुआ कोर्स आने वाले टाइम में आउटडेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आज जो मैं कोर्स बिल्ड कर रहा हूँ वो लारावेल 15 पे भी काम करेगा, 18 पे भी करेगा, 20 पे भी करेगा। तो फंडामेंटल्स कहीं पे भी चेंज नहीं होंगे, ये बात ध्यान रख लेना। और अगर मैं आज आपको लारावेल 11 पढ़ा रहा हूं मतलब आप लारावेल 4 की चीजें भी कर पाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा ही हो, दिमाग से निकाल देना कि सर ने तो लारावेल 11 पढ़ाया और 6 महीने बाद लारावेल 12 आ गया, 13 आ गया और सर का कोर्स आउटडेट हो गया है। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना, क्योंकि वो पूरा जो जो स्टेप्स है फंडामेंटल्स है वो कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हम जब भी लारावेल के प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे ऑब्वियसली हम स्टार्ट लेटेस्ट वर्जन से ही हम करते हैं। तो 11.x का मतलब हो गया 11.1, 11.2, 11.3, कोई सा भी वर्जन हो वो 11 वर्जन होना चाहिए। यहाँ पर हम गए वाई लारावेल। सो लारावेल क्या है? जनरली एक हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि लारावेल एक एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। सो लारावेल के थ्रू आप क्या बना सकते हैं? वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसको वेबसाइट्स हम बोलते हैं, बट जनरल स्टैंडर्ड टर्म में हम क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशंस। और भी शॉर्ट टर्म में हम बोलते हैं वेब एप्स, ठीक है ना। एप्लीकेशंस को हम जनरली क्या बोलते हैं? एप्स, है ना। तो हम वेब एप्स अगर आपको बनानी है, वेब एप्लीकेशंस बनानी है, मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस बनानी है, तो आप इस लारावेल को एज अ फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फुल स्टैक का मतलब हो गया कि लारावेल के अंदर आप फ्रंट एंड भी आप हैंडल कर सकते हो और बैक एंड भी आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम गए, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएटिंग अ लारावेल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अगर हमें एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हमें क्या क्या करना होगा? तो सबसे पहले लारावेल लारावेल पर वर्क करने के लिए आपको अपनी लोकल मशीन को प्रिपेयर करना होगा। तो आप बोलेंगे कि सर लोकल मशीन को प्रिपेयर तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, आपने कहा था कि एक्सएम्प इंस्टॉल कर दो तो कर दिया हमने, वीएस कोड एडिटर इंस्टॉल करना है तो कर दिया हमने, गिट एससीएम इंस्टॉल करना था हमने कर दिया। बट लारावेल के लिए स्पेशली कुछ और एडिशनल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अगर आपको लारावेल पे डेवलपमेंट करना है तो ये 3 टूल्स तो चाहिए ही चाहिए, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है पीएचपी डेवलपमेंट की। मगर लारावेल के लिए स्पेशली, लारावेल के लिए यहाँ पर मैं अगर इसको डुप्लीकेट कर दूं
और इसको बिल्कुल लास्ट में लेते जाऊं, और यहाँ पर टूल्स दैट वी नीड टू इंस्टॉल इन अवर मशीन फॉर लारावेल डेवलपमेंट, है ना। सो ऐसे टूल्स, टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर्स, जो सॉफ्टवेयर्स आप अपनी मशीन में इंस्टॉल करोगे जनरली उनको हम क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। और लारावेल डेवलपमेंट आपको करना है, लारावेल की कोई वेबसाइट बनानी है, लारावेल पर कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो आपको ये टूल्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। XAMPP, VS कोड एडिटर, गिट SCM, और इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा कंपोजर, ठीक है ना। कंपोजर नाम का एक इंपॉर्टेंट टूल हमें हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। कंपोजर के साथ साथ में ये रिकमेंड करते हैं लारावेल वाले, लारावेल जिन्होंने बनाया है उस कम्युनिटी वालों ने ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी मशीन में नोड जेएस भी इंस्टॉल करके रखें। सो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फिफ्थ पर हमें क्या चाहिए, ठीक है ना, फिफ्थ पर हमें क्या चाहिए, नोड जेएस भी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि नोड जेएस का इतना कुछ रोल नहीं होता है, बट फिर भी वो रिकमेंड करते हैं क्योंकि कुछ डिपेंडेंसीज जो होती हैं लारावेल की वो नोड जेएस पर निर्भर करती हैं, इसलिए हमें इसका नोड जेएस का भी इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। तो वन बाय वन आप देख पा रहे होंगे, XAMPP मैंने इंस्टॉल कर दिया है, VS कोड एडिटर इंस्टॉल कर दिया है, गेट SCM मैंने इंस्टॉल कर दिया है, मैंने कंपोजर अभी तक आपके सामने इंस्टॉल नहीं किया है। तो सबसे पहले आप इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, और कहीं पे भी नहीं जाना है आपको, डॉक्यूमेंटेशन को ही फॉलो करते करते हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कंपोजर जहां लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है, ये एक लिंक है, डायरेक्टली गेट कंपोजर डॉट ओ आर जी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा। यहाँ पर एक डाउनलोड करके एक बटन आएगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड पे जाना है और रन डाउनलोड एंड रन कंपोजर डॉट exe, ये exe आपको अपनी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मैं गया और फोल्डर में मैं गया यहाँ पर, और इस फोल्डर में मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये कंपोजर का सेटअप है, या राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो कंपोजर में क्या करने जा रहा हूँ, मेरी मशीन में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये दो ऑप्शन बता रहा है, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर और इंस्टॉल फॉर ओनली फॉर मी। सो यहाँ पर आपको ऑल यूजर करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कंपोजर को ऑल इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उसने PHP का जो exe का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट, यहाँ पर कई बार पाथ एड पाथ वाला चेकबॉक्स भी आता है, अगर वो आपको दिखाई दे रहा हो तो आप उसको चेक कर देना। नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली कंपोजर हमारी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो कंपोजर क्या है, एक जस्ट टूल है, एक कमांड लाइन टूल है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लारावेल के प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल कर सकते हो। सो कंपोजर क्या है, एक टूल है, तो टूल है मतलब आप उस टूल को एक्सेस कर सकते हो कहां से, कमांड प्रॉम्प्ट से। तो विंडो आर प्रेस करना है, वही कीबोर्ड का मैं बता दूं, विंडो प्लस आर, ठीक है ना। तो विंडो प्लस आर मैंने प्रेस किया, विंडो आर, फिर उसके बाद आपने क्या किया, सीएमडी, सॉरी सीएमडी करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, कंपोजर डैश डैश वर्जन। सो ये डैश डैश वर्जन करके एक एक प्रूफ होता है कि हाँ ये फलाना जो टूल है, ये पर्टिकुलर टूल जो है, ये हमारी मशीन में इंस्टॉल हो गया है। अगर वर्जन दिखाई दे रहा है इसका मतलब इंस्टॉल है, अगर कमांड नॉट फाउंड करके एरर आ रही है मतलब ये आपने टूल इंस्टॉल अभी तक किया ही नहीं। तो देखिए जैसे ही मैं कंपोजर डैश डैश वर्जन कर रहा हूं तो मेरे कंपोजर का वर्जन भी बता रहा है, और साथ साथ में उसने पीएचपी का वर्जन भी डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। और वापिस से लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे मैं जाता हूँ बैक करके, फिर उसके साथ साथ ये क्या बोल रहा है कि आप नोड जेएस भी इंस्टॉल कर लो। तो पहले तो जो रिकमेंडेशन है कि ये चीजें आप रेडी कर लो अपनी मशीन में, तो वो मैं रेडी करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही उस मैंने नोड जेएस वाली लिंक पर क्लिक किया तो मैं नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चला गया, यहाँ पर गया मैं डाउनलोड अनवेरिफाइड फाइल, कंट्रोल जे प्रेस कर लेना, ठीक है ना, कंट्रोल कंट्रोल जे, है ना। तो कंट्रोल जे क्या करता है, डाउनलोड पेज को ओपन कर देता है, ये डाउनलोड पेज है ना, तो ये मेरा डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगेन राइट क्लिक करके मैं क्या करूंगा, ओपन, या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको कहीं मिल रहा हो तो वो कर लेना आप, और इसको मैं जो है वन बाय वन इंस्टॉल कर देता हूँ। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, है ना, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल आपको करना है, ठीक है ना। ये इंस्टॉल हो रहा है, अब वापस से हम बैक करेंगे, लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, यहाँ पर हमारा जो
ये कुछ परमिशन मांगेगा, आप यस कर देना तो नोड जेएस प्रॉपरली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको स्क्रीनशॉट डालने हैं, ये एक स्क्रीनशॉट आपने डालना है ना, जो जो भी मैं लेक्चर में सिखा रहा हूँ वो आपको हाथों हाथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है कि सर हमने भी हमारी मशीन में क्या कर दिया है सर, कंपोजर, आई हैव इंस्टॉल्ड कंपोजर इन माय मशीन, जो भी आप लिखना चाहें। तो इन इन स्क्रीनशॉट से मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि आप सभी बच्चे लेक्चर को फॉलो कर रहे हो और असाइनमेंट भी आप इसी स्टेज पर आपने कंप्लीट कर लिया है। तो कंपोजर का आप स्क्रीनशॉट डाल देना, ठीक है ना। उसके साथ ये जैसे ही नोड जेस इंस्टॉल होगा तो उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, विंडो आर, ठीक है ना, रन यूटिलिटी सीएमडी, और आप नोड स्पेस वी करेंगे, ठीक है ना। जनरली नोड डैश डैश वर्जन, क्योंकि आपको डैश डैश वर्जन लिखने का हैबिट है, तो नोड डैश डैश वर्जन भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो नोड भी इंस्टॉल हो गया और साथ साथ में ये नोड के साथ में उसका डिपेंडेंसी मैनेजर, जिसे हम एनपीएम बोलते हैं, तो एनपीएम भी आपको साथ साथ ही मिल जाएगा। सो एनपीएम डैश डैश वर्जन, ये देखिए जैसे ही मैं एनपीएम डैश डैश वर्जन करूंगा तो 10.4.0, और नोड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, 2012.2, ये वर्जन इंस्टॉल्ड है मेरा। स्क्रीनशॉट डाला, व्हाट्सएप ग्रुप में गया और मैंने नोड जेएस एंड एनपीएम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, है ना। इस तरीके से आपको अपना वर्क इन प्रोग्रेस ग्रुप में बताते हुए चलना है, ठीक है। सो उसके बाद आफ्टर यू हैव इंस्टॉल्ड पीएचपी एंड कंपोजर, यू नीड टू क्रिएट अ लारावेल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब हम अपना सबसे पहला लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट, यहाँ पर मैं गया, वेयर वी कैन इंस्टॉल अवर न्यू लारावेल लारावेल प्रोजेक्ट। पहला प्रश्न है कि कहाँ हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको इंस्टॉल हम कहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ पर हम अपना लारावेल का प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करें, ठीक है ना। सो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो इन्होंने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है कि लारावेल का प्रोजेक्ट आपको कहाँ रखना है। कहाँ रखने का मतलब ये हो गया कि आपको सर सी ड्राइव में रखना है लारावेल का प्रोजेक्ट, के डी में रखना है, कि कहाँ पर रखना है, वो लोकेशन इस डॉक्यूमेंटेशन में नहीं दिया हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने पीपीटी में दे दिया है। सो सबसे पहला लोकेशन तो ये हो गया कि आप अपना सी ड्राइव के अंदर जो आपका एक्स एम नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर आप एच टी डॉक्स डायरेक्टरी के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट जो भी है आपका प्रोजेक्ट वन प्रोजेक्ट टू उस लोकेशन पर आप बना सकते हैं। आप अपना प्रोजेक्ट आप बना लीजिए, ठीक है ना, या डायरेक्टली आप अपने एच टी डॉक्स में जा सकते हैं और ये प्रोजेक्ट वन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्ट का नेम आप ऑलरेडी यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप लारावेल का प्रोजेक्ट करें तो पहला तो आप क्या कर सकते हैं, या तो सी ड्राइव में एक्सएम डायरेक्टरी पर, या फिर आप यू कैन चूज एनी लोकेशन, यू कैन चूज एनी लोकेशन, ठीक है ना। लारावेल का प्रोजेक्ट आप कहीं पे भी रख सकते हो, आप चाहे डेस्कटॉप पर आप कर सकते हो, आप चाहे तो लारावेल का प्रोजेक्ट आप डी ड्राइव में रख सकते हो, सी पर रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, बट मैं आपको दो लोकेशन दे रहा हूँ। जनरली पीएचपी के प्रोजेक्ट्स कहाँ रखे जाते हैं, एचटी डॉक्स डायरेक्टरी के अंदर, और लारावेल क्या है, लारावेल भी पीएचपी का ही प्रोजेक्ट है ना, लारावेल पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है। तो जनरली मेरी चॉइस ये होती है कि मैं कई बार उसको एच टी डॉक्स में रखता हूँ और कहीं कई बार मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, है ना। तो मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ। अब चूंकि मेरा लारावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं आपको इंस्टॉल करके बता रहा हूँ, तो मैं शुरुआत किससे करूंगा, मैं एच टी डॉक्स से ही करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सी ड्राइव में जाना है, आपको अपने एक्सएम डायरेक्टरी में जाना है, आपको अपनी एच टी डॉक्स डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जाना है, उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके टर्मिनल स्टार्ट करना है, ठीक है ना, CLS कर लेना ताकि ये टर्मिनल क्लियर हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए, आप फोकस पूरा अपना कमांड प्रॉम्प्ट पर रख सके। उसके बाद हमें लारावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट करना है, तो दो तरीके हैं आपके पास, ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा वन बाय वन। सो पहले तरीके में कंपोजर की कमांड है, ठीक है ना। सो पहले तरीके में क्या है, कंपोजर आपको लिखना है, यस, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्मल टर्मिनल यूज नहीं करना है, ठीक है ना। अभिषेक ने याद दिला दिया क्योंकि वो प्रॉब्लम आएगी। राइट क्लिक करके शो मोर पे जाना है और टर्मिनल गेट बैश वाला ही लेना,
अगर ये गिट बैश वाला नहीं लिया तो वो बहुत सारी एरर्स आती हैं और लारावेल का इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो ही नहीं पाता है। तो आपको क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, एचटी डॉक्स में जाने के बाद आपको दो टर्मिनल मिलेंगे, एक तो ब्लैक वाला और एक गिट बैश हियर वाला, ठीक है ना। तो ये ब्लैक वाला यूज नहीं करना है, हालांकि मैंने गलती से मैंने उसको ओपन कर दिया था, बट करना कौन सा है हमें, गिट बैश हियर, ठीक है ना, ये वाला टर्मिनल ओपन गिट बैश हियर। तो ये भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट ही है, ठीक है ना, ये भी आपका टर्मिनल ही है और इस टर्मिनल पर हम वो कमांड चलाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सामने सामने ही उसको मैं रख दूंगा ताकि पीछे की तरफ से आप ये कमांड देख पाएं, यहाँ से आप कमांड देख पाएं और यहाँ पर मैं सामने की तरफ से है ना, आमने सामने ये कमांड में देख के लिख पाऊं। तो कमांड क्या है हमारी, कंपोजर, क्या कमांड है हमारी, कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट, ठीक है, क्रिएट डैश प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल एंड द प्रोजेक्ट नेम, एंड द प्रोजेक्ट नेम कैन बी एनीथिंग, आई कैन बी वर्किंग ऑन अ फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है ना, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है मेरे प्रोजेक्ट का नाम फ्लिपकार्ट हो सकता है मेरे प्रोजेक्ट का नाम अमेजोन हो सकता है मेरे प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट वन हो सकता है मेरे प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट टू हो। मगर एक बात ध्यान रखना, प्रोजेक्ट के नाम से पहले वाली जितनी भी कमांड है वो तो फिक्स रहे, वो आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, यहां तक तो आपको एज इट इज लिखना ही है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप क्या चेंज कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट का नाम, है ना। सो हो सकता है आपका पहला प्रोजेक्ट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, तो जो जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो आप यहाँ पर चेंज कर करके लिख सकते हो। बिकॉज ये मेरा लारावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो मैं इसको लारा वन बोल देता हूँ, ठीक है ना, मेरा सेकंड प्रोजेक्ट होगा तो उसको लारा टू बोल दूंगा, लारा थ्री बोल दूंगा। तो इस तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट के नेम का नेमिंग कन्वेंशन में देते हुए चलता हूँ। बट आप जब कंपनीज में रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो रियल प्रोजेक्ट जो भी आपका नाम होगा उस प्रोजेक्ट का वो नाम देके आप अपना प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। तो ये वो कमांड है जिसके थ्रू क्या होगा, मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट सेटअप होगा। कि जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा, है ना, ये पूरा इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा। तो मेरे पास तो ये इंटरनेट का फाइबर कनेक्शन है तो मेरे इसमें थोड़ा फटाफट हो जाएगा, मगर अगर आप अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके अगर आप इस कमांड को चलाओगे तो हो सकता है आपको 15-20 मिनट आधा घंटा भी आपको बैठे रहना पड़ सकता है, वो भी फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। बिकॉज ये फर्स्ट टाइम बहुत सारे लारावेल की डिपेंडेंसी है लाता है और सिस्टम में कैश कर लेता है, ठीक है ना। सेकेंड बार अगर लारावेल का सेकेंड लारा टू प्रोजेक्ट हम जब करेंगे तब हाफ ऑफ द टाइम लगेगा, है ना। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम 20 मिनट लग रहे हो, सेकेंड टाइम आप लारावेली के प्रोजेक्ट में आपको 10 मिनट या 5 मिनट या 6 मिनट में ही हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट टाइम अगर आप लारावेल का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो तो टाइम बहुत सारा लगने वाला है ना, 20 मिनट से लेके 30 मिनट्स लग सकता है, 50 मिनट्स लग सकता है। देखते हैं हमारे इसमें कितने टाइम में ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मेरे इसमें फटाफट इसलिए हो गया क्योंकि मैंने लारावेल का प्रोजेक्ट कल पहले से कर चुका था और उस समय मेरे मेरे मुझे लगभग 15-20 मिनट लगे थे और अभी आप देखिए ये 1-2 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि टर्मिनल गिट बैश वाला होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, गिट बैश वाला टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है ना। और लारावेल के प्रोजेक्ट को जनरली मेरी रिकमेंडेशन से अभी कहाँ इंस्टॉल करोगे, एचटी डॉक्स के अंदर, एचटी डॉक्स डायरेक्टरी को जाना है, अंदर जाना है। और आपको पता ही होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था कि सारी डायरेक्टरी जो पहले से सेटअप में आती है उन सबको डिलीट कर देना है और वन बाय वन अपने प्रोजेक्ट्स के नाम लेते हुए आपको वर्क करना है। राइट क्लिक करके इस पे जाना है, शो मोर पर और गिट बैश हियर पर जाना है और उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हो। ठीक है, सो ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है ना, इसको साइड बाय साइड इंस्टॉल होने देते हैं।
मैं आपको तीन लारावेल के प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके बता रहा हूँ, लारा 1, लारा 2 एंड लारा 3, ठीक है ना। लारा 1 प्रोजेक्ट मैंने इस कमांड से चला दिया, ठीक है ना। लारा 2 जो प्रोजेक्ट है वो मैं इस कमांड से बताऊंगा आपको, ताकि आपको तरीके सारे पता होना चाहिए कि सर कंपनी के बॉस ने आपको बोल दिया कि चलो गुंजन एक लारावेल का प्रोजेक्ट सेटअप करो फटाफट। आपको पता होना चाहिए क्या तीन चार तरीके हमारे पास हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं बेसिकली। सो ऑब्वियसली ये इंस्टॉल हो गया है यहाँ पर, ये देखिए लारा 1 प्रोजेक्ट मेरा ऑटोमेटिकली सेटअप हो गया है। और अब दूसरे तरीके से हम देख लेते हैं। दूसरे तरीके में क्या है कि आपको अपने लारावेल के प्रोजेक्ट्स को एक लारावेल इंस्टॉलर हमें ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। जनरली ग्लोबली का मतलब ये होता है कि ये यूजर्स डायरेक्टरी होती है, और इस यूजर्स डायरेक्टरी में क्या होता है कि ये डिफॉल्ट होता है, और ये ऐप डेटा होता है, और ये एड्रेस क्या होता है, ये ग्लोबल एड्रेसेस होते हैं, ठीक है ना, ये ग्लोबल एड्रेसेस होते हैं। तो इस वाली कमांड को मुझे 1 टाइम इंस्टॉल करना है, और इस वाली कमांड को मैं मेनी टाइम इंस्टॉल कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे लारा 2 प्रोजेक्ट करना है तो मैं लिखूंगा लारावेल न्यू लारा 2। मुझे थर्ड प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है तो मैं लिखूंगा लारावेल न्यू लारा 3, ठीक है ना। तो इस कमांड को तो मैं 1 टाइम इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड कर दिया, ठीक है। ये कमांड मेरी ओनली 1 टाइम की है ना, 1 टाइम, ये वाली कमांड 1 टाइम की है, ठीक है ना। और इस कमांड को मैं मेनी टाइम यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये सारा मैं इंस्ट्रक्शंस जो है आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन में, पीपीटी के डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा। इसको मैं यूज कर सकता हूँ, मैनी टाइम यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये 1 टाइम है, मतलब अगर आपने ये कमांड एक बार चला दी तो अगले दिन या बार बार आपको चलाने की जरूरत नहीं है, ये 1 टाइम ही चलानी है अपने को, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये 1 टाइम। अब ये इसको मैनी टाइम इसलिए लिखा है, हो सकता है आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, 1 महीना आपने काम किया, वो प्रोजेक्ट लारावेल का आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, फिर कंपनी में कोई दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, तो दूसरे प्रोजेक्ट को फिर आपको इसी कमांड से चलाना पड़ेगा। सो दिस कमांड इज अ मैनी टाइम प्रोसेस वाली कमांड, ठीक है ना। आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। तो चलिए ये वाली कमांड, ये 1 टाइम है तो अभी तक तो मैंने इंस्टॉल करी नहीं है, तो मैं इंस्टॉल आपके सामने कर देता हूँ, ठीक है ना। ये एड्रेस वो आ गया कि जो लारावेल इंस्टॉलर जो है वो कहाँ पर ग्लोबली इंस्टॉल हो गया है, वो यूजर्स ऐप डेटा रोमिंग और कंपोजर के अंदर ग्लोबली इंस्टॉल हो गया है। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा था ना कि ये कहीं ना कहीं एक एड्रेस होता है, वहां एड्रेस पर ये ग्लोबली सेटअप कर देता है, वो एड्रेस ये है, ठीक है ना। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए कि ग्लोबल एड्रेस पे जाके ये इंस्टॉलर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ये सेट हो गया, ठीक है ना, ये सेट हो गया। अब ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखिए कि हम कहाँ पर हैं अभी, हम HT डॉक्स के अंदर है। अगर आपको लाइनेक्स की कमांड के थ्रू चेक करना है तो PWD, PWD, सो व्हाट इज PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD स्टैंड फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि हम कहां पर अभी हैं, हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, दैट यू कैन आइडेंटिफाई विद द कमांड PWD। समझ में आया। सो ये थोड़ी थोड़ी लाइनेक्स की कमांड्स भी आपको आना चाहिए। तो मैं अभी कहां पर हूं, मैं HT डॉक्स डायरेक्टरी के अंदर हूं। HT डॉक्स डायरेक्टरी में अगर मैं ls-al करूं, सो ls क्या है, ls भी एक लाइनेक्स की कमांड है जिसको आप लिस्ट कर सकते हो, है ना। यू कैन लिस्ट डाउन ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरी, ओके। सो ऑल फाइल्स द इन द लिस्ट व्यू, सो यू कैन सी अनिल इज अ डायरेक्टरी, ओके। लारा 1 इज अ डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट 1 इज अ डायरेक्टरी। इट मींस दैट दीज आर सम प्रोजेक्ट्स व्हिच कंटेन मल्टीपल फाइल्स। नाउ आई वांट टू इंस्टॉल सेकेंड लारावेल प्रोजेक्ट कॉल्ड लारा 2। लारा 2 प्रोजेक्ट को मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूं, वो भी कौन से तरीके से, दूसरे तरीके से, ठीक है ना। तो ये तो मुझे 1 टाइम इंस्टॉल करना था जो मैंने कर दिया। अब बस एक ही कमांड है, लारावेल न्यू एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, दैट इज लारा 2। सो ये लारा 2 जो प्रोजेक्ट है, ये मैंने इंस्टॉल यहाँ पर करना है, और ये जैसे ही मैं इंस्टॉल कर रहा हूं तो ये मेरा
इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है, थोड़ा इंटरेक्टिव है, अच्छा है। और ये साथ साथ आपको पूछ रहा है कि क्या आपको रेडीमेड कुछ स्टार्टर किट चाहिए क्या, जेट स्ट्रीम ब्रीज। तो हमें कुछ रेडीमेड हमें कुछ नहीं चाहिए, स्क्रैच से ही करना है हमें, है ना। लारावेल का डेवलपमेंट हमें स्क्रैच से करना है, कोई एडिशनल रेडीमेड कोड हमें नहीं चाहिए, स्क्रैच से करना चाहता हूं मैं वर्क। सो यहाँ पर मैंने स्टार्टर किट को नन बोल दिया। फिर ये बोल रहा है कि आपको टेस्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा चाहिए। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो उनके मॉड्यूल्स को हमें टेस्ट करना पड़ता है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ मुझे PHP यूनिट चाहिए, है ना। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि टेस्टिंग क्या होता है, बाद में बात करेंगे, बट अभी PHP यूनिट आप ले लेना, ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहा है, वुड यू लाइक टू इनिशियलाइज द गिट रिपोजिटरी। क्या आप चाहते हो कि आप अपना सोर्स कोड मैनेज करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं। तो 5 स्टेप्स की कमांड फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें से पहली स्टेप क्या है, गिट को इनिशियलाइज करने की। तो ये पहली स्टेप की कमांड इसने ऑलरेडी यही दे दी इस इंस्टॉलर के अंदर ही, तो चीजें थोड़ी इजी हो गई है। कुल मिला के चीजें वही हैं। तो हाँ, मुझे अपनी रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करना है, मैंने यस बोल दिया उसको। उसके बाद वही प्रोसेस चालू हो गई जो कि हमने इससे पहले वाली कमांड में चलाई थी, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल एंड लारावन, जैसे ही मैंने एंटर किया था तो यही चीजें हो रही थी, कोई एडिशनल चीजें नहीं, ठीक है ना। सो लारावेल के प्रोजेक्ट्स को आप कैसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, हम दो तरीके से कर सकते हो, कंपोजर कमांड के थ्रू एंड लारावेल ग्लोबल इंस्टॉलर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ में मैंने आपको बताया था लोकेशन, मैंने आपको वेयर वी कैन इंस्टॉल अवर लारावेल प्रोजेक्ट्स। तो पहला रिकमेंडेशन तो HT डॉक्स ही है, दूसरा रिकमेंडेशन तुम्हारी मर्जी पड़े जाना करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सो थर्ड जो प्रोजेक्ट है, Lara 3 जो प्रोजेक्ट है, वो मैं कहीं पे भी इंस्टॉल कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे तीन प्रोजेक्ट आपको इंस्टॉल करने हैं। चलो ये हो रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड प्रोजेक्ट अब आप मुझे बताओ कि कहाँ इंस्टॉल करूं। ये मेरी सी ड्राइव है, ये मेरी डी ड्राइव है, आप बताइए डी ड्राइव में करना है, ठीक है ना। डी ड्राइव में कहीं पे भी आपकी मर्जी पड़े, आप जहां पर लारावेल का प्रोजेक्ट सेटअप कर लो। तो मैं क्या करूंगा, सिस्टमेटिकली एक फोल्डर बना लेता हूँ। ये मैंने फोल्डर बनाया और उस फोल्डर को मैंने बोल दिया लारावेल प्रोजेक्ट्स, है ना। इसको मैंने बोल दिया माय लारावेल प्रोजेक्ट्स, ये फोल्डर बना दिया मैंने, ठीक है ना। और यहां पर जाके मैं अगेन नॉर्मल टर्मिनल न लेते हुए मुझे टर्मिनल ग्रिड वैश ही लेना है। अगर आप ये लोगे तो फिर वो दिक्कतें आएंगी और वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा। गिट बैश हियर ही आपको टर्मिनल लेना है। सो ये मैंने गिट बैश टर्मिनल लिया और अब जो है मैं अपने लारावेल का थर्ड प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहा हूं, जिसकी लोकेशन आप कहीं पे भी डिसाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर दे ही दिया है। अब लारावेल के प्रोजेक्ट्स तो दो ही कमांड से कर सकते हो, या तो इस कमांड से या फिर इस कमांड से। अब आप मुझे बताइए कि लारावेल 3 जो प्रोजेक्ट है वो मैं इस कमांड से चलाऊं कि इस कमांड से चलाऊं, ठीक है, नीचे वाली कमांड से। सो लारावेल न्यू, तो अब मुझे ये दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर PPT के अंदर मेंशन कर दिया है कि जो ग्लोबल इंस्टॉलर है वो वन टाइम इंस्टॉल वाली कमांड है। मगर जब आप अपने नए नए प्रोजेक्ट्स करोगे तो बार बार ये लारावेल न्यू प्रोजेक्ट 1, लारावेल न्यू प्रोजेक्ट 2, लारावेल न्यू प्रोजेक्ट 3 एंड सो ऑन, यू कैन रन दिस कमांड मेनी टाइम। सो Laravel new and Lara 3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सो ये Lara 3 प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ। अगेन ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको स्टार्टर किट चाहिए, मेरे को तो नहीं चाहिए। PHP टेस्टिंग यूनिट कौन सी चाहिए आपको, पेस्ट ले लो, है ना, कोई से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये बोल रहा है कि गेट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करनी है, यस करनी है, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रोसेस चालू हो गई है। तो मीनवाइल हमने जो है कुछ टर्मिनल्स से यहाँ पर हमने कर लिया। उसके साथ साथ ये प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट में ये आपसे डाटाबेस पूछ रहा है ना, ये आपसे डाटाबेस पूछ रहा है, विच डेटाबेस ऑफ योर एप्लीकेशन विल यूज, मतलब आपकी जो लारावेल की एप्लीकेशन है वो कौन सा डेटाबेस यूज करेगी। तो वो चीज तो मैंने आपको बता दिया है, वो चीज मैंने आपको बता दिया है कि सर आप जब XAMPP इंस्टॉल करते हो तो PHP के साथ में हमें M मिल रहा है, PHP के साथ में हमें M मिल रहा है, M फॉर MySQL, ठीक है ना। तो जनरली बट फिर भी लारावेल जो है बहुत फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन है।
लारावेल एप्लीकेशन के साथ में आप चाहें तो पोस्टग्रेस डेटाबेस को भी कनेक्ट करवा के काम करवा सकते हो। मतलब ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आपसे पूछ रहा है कि भाई आप किस डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हो। तो जनरली हम MySQL यूज करेंगे। MySQL और MariaDB लगभग एक ही वर्जन है, जैसे C++ होता है ना, एक ही फैमिली के हैं और अपग्रेडेड वर्जन है और एक थोड़ा लोअर वर्जन है। तो यूं आप मान के चल सकते हो कि MariaDB इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ MySQL, है ना। तो दोनों एक ही चीज है। तो यहां से मैंने इसको दे दिया MariaDB, ठीक है ना। और ये मैंने इंटर किया। डिफॉल्ट डेटाबेस अपडेटेड, वुड यू लाइक टू रन द डिफॉल्ट डेटाबेस माइग्रेशन, यस नो। अब ये बोल रहा है कि ये डेटाबेस के माइग्रेशन आपको चलाने हैं कि नहीं चलाने हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर आपका XAMPP कंट्रोल पैनल चालू होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो XAMPP कंट्रोल पैनल है उसको चालू करना है, और ये माइग्रेशन यहां पर ये अपाचे और इन सर्विसेज को मैं चालू कर देता हूं। अपाचे और MySQL दोनों सर्विसेज को चालू करना, स्पेशली MySQL तो चालू होना ही चाहिए, क्योंकि आप यहां पर क्या करने जा रहे हो, डाटाबेस की माइग्रेशंस को अप्लाई करना चाहता हूं। अब ये माइग्रेशन क्या होता है वो आप धीरे जल्दी से समझ जाओगे। माइग्रेशंस एक प्रकार की एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू टेबल क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो आपके पास डाटाबेस होता है, डाटाबेस के अंदर टेबल होती है, तो डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स क्रिएशन का काम होता है वो माइग्रेशन प्रोसेस से होता है। तो यहां पर अगर आप यस लिखोगे, यहां पर आप यस लिखोगे तो उससे पहले मेक श्योर कि आपका क्या चल रहा हो, डाटाबेस चल रहा हो, क्योंकि अगर ये डाटाबेस नहीं चलेगा तो वो माइग्रेशन अप्लाई होगी नहीं, क्योंकि डाटाबेस ही बंद पड़ा है, ठीक है ना। तो डाटाबेस को अप एंड रनिंग रखना है, उसके बाद लारावेल पे काम करना है। तो जैसे ही मैंने यस किया तो ये सक्सेसफुली उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। जैसे ही देखो मैंने यस किया तो फिर ये वार्निंग इसने दिया कि डाटाबेस लारा लारा टू डज नॉट एग्जिस्ट ऑन MariaDB कनेक्शन। वो लारा टू नाम का डाटाबेस उसने मेरे लिए बनाने का प्रयास किया जो कि मिला नहीं। तो फिर उसने पूछा कि वुड यू लाइक टू क्रिएट इट, ऑटोमेटिकली उसने यस ले लिया। तो उसने मेरे लिए डाटाबेस भी बना दिया, लारा टू नाम का डाटाबेस बना दिया, और उस डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन अप्लाई कर दिया। जितनी माइग्रेशन अप्लाई होंगी उतनी टेबलें बन जाएंगी। तो देखो माइग्रेशंस, माइग्रेशन अप्लाई हुई, फर्स्ट माइग्रेशन, सेकंड माइग्रेशन एंड थर्ड माइग्रेशन, मतलब कितनी टेबलें बन गई होंगी, तीन टेबलें बन गई होंगी। तो चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारा काम है इन्वेस्टिगेशंस करना, हमारा काम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जो भी टेक्नोलॉजी हम सीख रहे हैं वो बिहेव कैसे करती है, वो इन्वेस्टिगेशंस भी हमें करना चाहिए। ये अच्छे लर्नर की जो स्टूडेंट्स सीखते हैं क्यूरियोसिटी से, ये इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए कि यार क्या करने से क्या हो गया, कौन सी कमांड चलाने से क्या हो गया, ये थॉट प्रोसेस आपका हमेशा होना चाहिए। इससे आप अच्छा डेवलपमेंट आप कर पाएंगे। तो चलिए हमें इस लारा टू डेटाबेस को हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपको अपाचे और MySQL आप स्टार्ट कर लेना, और इसका एक GUI पैनल आता है जिसे हम बोलते हैं लोकल होस्ट से आपको एक्सेस करना है /PHP माई एडमिन, ठीक है ना। लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, जैसे ही आप इंटर करोगे तो इसका GUI इंटरफेस चालू हो जाएगा। किसका? डाटाबेस का। इस डाटाबेस का, इस MySQL डाटाबेस का GUI इंटरफेस यहां चालू हो जाएगा। अगर आपको कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए तो ये डाटाबेस, अगर आपके आपको डाटाबेस पे काम करना है और कमांड लाइन के थ्रू करना है, तो आप में से जिन बच्चों को मैंने SQL सिखा रखा है वहां पर टोटल काम में इस इंटरेक्टिव शेल से ही मैं करवाता था। मगर आपको इंटरेक्टिव शेल यूज नहीं करना है, GUI इंटरफेस के थ्रू डाटाबेस को एक्सेस करना है, देखना है, करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो फिर? PHP माय एडमिन। समझ में आया? सो PHP माय एडमिन इज अ GUI इंटरफेस एंड दिस इज अ कमांड लाइन इंटरफेस, दिस इज CLI, दिस इज GUI, ठीक है ना। दिस इज GUI एंड दिस इज CLI, दिस इज कमांड लाइन इंटरफेस एंड दिस इज ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है ना। तो मैं अभी इजी रखने के लिए, लेक्चर को इजी रखने के लिए मैं अभी किसको यूज कर रहा हूँ, ग्राफिकल इंटरफेस को, कि तुरंत सामने ही दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो जैसे ही आप होम पे जाओगे तो लारा टू नाम का डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा है, माई सीक्वल, परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP माई एडमिन, ये सारे डिफॉल्ट बने हुए हैं।
हमें डिफॉल्ट की बात नहीं करनी है, हमें तो वो डेटाबेस की बात करनी है जिसका माइग्रेशन मैंने अप्लाई किया, ठीक है ना। वो पूछ रहा था ना मुझसे कि क्या माइग्रेशन अप्लाई कर दे, तो मैंने बोला यस। तो उसने फिर माइग्रेशन अप्लाई करने से पहले लारा टू नाम के डेटाबेस को देखा, उसने उसको मिला नहीं, तो वो फिर उसने फिर परमिशन हमसे पूछी कि क्या ये लारा टू नाम का डेटाबेस तो अवेलेबल नहीं है, तो बना दे क्या। तो ऑटोमेटिकली उसने यस दे दिया, तो उसने देखो डाटाबेस बना दिया। और डाटाबेस के अंदर क्या होती है, टेबलें होती है, ठीक है ना। डाटाबेस के अंदर क्या होती है, टेबल्स होती है, और टेबल्स के अंदर क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी टेबलें अप्लाई हुई थी माइग्रेशन की, 3 टेबलें। कौन कौन सी, यूजर, यूजर्स, कैशे और जॉब्स, ठीक है ना। तो यूजर्स, कैशे एंड जॉब्स, इसके अलावा एडिशनल भी बहुत सारी टेबलें हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट एक चीज तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमें कोई टेबल बनानी है तो वो माइग्रेशन प्रोसेस से ही बनती है लारावेल के अंदर। जब भी, वेन एवर यू नीड टू क्रिएट अ टेबल इन लारावेल, इट हैज टू बी क्रिएटेड विथ माइग्रेशंस प्रोसेस, माइग्रेशन प्रोसेस, ठीक है ना। सो ये हुआ। चलो अब यहां से मैंने CLS किया, मैंने LS किया, मैंने LS-L किया। LS-L से मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट डाउन ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरी इन द लिस्ट व्यू, है ना, कि लिस्ट डाउन करो सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को, किसमें, लिस्ट व्यू में। दिस इज कॉल्ड लिस्ट व्यू, है ना। लिस्ट व्यू में आपको हॉरिजॉन्टली स्टैक में आपको दिखाई दे रहे हैं। सो लारा वन एंड लारा टू आर सम डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज मतलब ये प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब मुझे किसके अंदर जाना है, लारा वन के अंदर जाना है, सीडी लारा वन। और जैसे ही मैंने इंटर किया तो मैं अभी कहां पर हूँ, लारा वन में हूँ। कंफर्म कर सकते हो पीडब्ल्यूडी से। पीडब्ल्यूडी क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट मतलब अभी, करंटली मैं किस वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ ये मुझे पता करना है, तो मैं पीडब्ल्यूडी करूंगा। पीडब्ल्यूडी कमांड मुझे पूरा बता देगा कि आप लारा वन नाम की डायरेक्टरी के अंदर हैं, ठीक है ना। फर्दर मैं इस पे LSAL करूं तो ये सारा जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर लारावेल प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर आना है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कोड स्पेस डॉट करके यहाँ पर इसको VS कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लूंगा, ठीक है ना। तो देखो मैं VS कोड एडिटर के अंदर आया, फिर टर्मिनल पर मैं गया यहाँ पर, और टर्मिनल पर जाने के बाद आपको फर्स्ट यहाँ पर मैं PPT के अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम आर्टिसन की बात करेंगे। ये आर्टिसन क्या होता है लारावेल के अंदर, आर्टिसन इज अ CLI टूल फॉर दी लारावेल एप्लीकेशन। आर्टिसन क्या है, एक कमांड लाइन इंटरफेस टूल है जिसके थ्रू आप लारावेल एप्लीकेशंस पर काम कर सकते हैं। मतलब लारावेल एप्लीकेशन को चालू करना है, लारावेल एप्लीकेशन को बंद करना है, लारावेल एप्लीकेशन पर मुझे कोई व्यू बनाना है, मॉडल बनाना है, कंट्रोलर बनाना है, कुछ भी करना है, तो आपको इस आर्टिसन CLI की मदद लेनी पड़ेगी। ये आर्टिसन CLI ये बिल्ट इन लारावेल प्रोजेक्ट के साथ में आता है, आपको कोई अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा आर्टिसन नाम की एक फाइल देखने को मिलेगा। जैसे ही आप LS-AL करोगे ना, तो सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरी लिस्ट डाउन हो जाएगी, और इसमें आप देखना ये पहला जो स्ट्रिंग होता है इसे परमिशन स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिशन स्ट्रिंग। और इस परमिशन स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है वो या तो डी होगा या डैश होगा। अगर डी है मतलब डायरेक्टरी है, और डैश है मतलब फाइल है। दो ही चीजें होंगी, ये तो फाइल होगी, ये डायरेक्टरी होगी। तो मुझे बताइए ये आर्टिसन क्या है। आर्टिसन इज अ फाइल। अगर मैं आपसे पूछूं ऐप क्या है, सर ऐप इज अ डायरेक्टरी, बिकॉज आई कैन इजिली सी विद द फर्स्ट लेटर डी। इफ द फर्स्ट लेटर इज डी देन ऐप इज अ डायरेक्टरी। आर्टिसन, आर्टिसन आई कैन सी द फर्स्ट लेटर इज डैश, सो आर्टिसन इज अ फाइल। सो आर्टिसन एक फाइल है, या आप ये बोल सकते हो आर्टिसन एक CLI इंटरफेस है फॉर लारावेल एप्लीकेशन। ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। एक और यहाँ पर मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, और हाउ टू रन लारावेल एप्लीकेशन, हाउ टू रन लारावेल एप्लीकेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर। कि CD करके आप तो प्रोजेक्ट के अंदर जाना है,
और कमांड चलानी है पीएचपी आर्टिसन सर्व, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और कमांड चलानी है आपको कौन सी, पीएचपी आर्टिसन सर्व। ठीक है ना, पीएचपी आर्टिसन सर। तो जैसे ही मैं यहां पर, अब मुझे इस टर्मिनल की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वीएस कोड एडिटर में हूं और वीएस कोड एडिटर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, इतना एडवांस है कि मैं साथ साथ कोडिंग भी कर सकता हूँ, साथ साथ कमांडे भी यही टर्मिनल से ही चला सकता हूं। तो यहां पर जाना है न्यू टर्मिनल में, सीएलएस किया और वो जो कमांड है मुझे लारावेल के एप्लीकेशन को चालू करना है, मेरी मेरी लारावेल एप्लीकेशन को मुझे अप एंड रनिंग करना है, मुझे उसको रन करना है। तो कमांड क्या चलानी पड़ेगी, पीएचपी आर्टिसन सर पीएचपी आर्टिसन सर्व सर्व, ठीक है ना। जैसे इंटर करेंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग हो गई, ठीक है ना। अब ये पोर्ट बता रहा है कि 127 पर 8000 पे आप ये कर सकते हो, तो 127.0.0.1:8000 पर ये मेरी लारावेल की एप्लीकेशन चालू हो गई है, ये बिल्कुल चालू हो गई है, ठीक है ना। अगर मैं इसको कंट्रोल सी करके इसको मैं बंद कर दूं तो ये लारावेल की एप्लीकेशन मेरी बंद हो जाएगी, ये मेरी बंद होगी। वापिस से अप एंड रनिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, पीएचपी आर्टिसन सर्व, पीएचपी आर्टिसन ये सर्व। जैसे ही मैंने इंटर किया, सॉरी, पीएचपी आर्टिसन सर, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाएगी तो भी नहीं चलेगी। ये देखो ये हो गया, अब मैं यहां पर गया, वापस से मैंने रन किया, तो इस तरीके से मेरा ये एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। अब ये हुआ, ठीक है। अब आप कोई सी भी वेबसाइट लीजिए तो आप इसको कंसिडर कीजिए कि ये पर्टिकुलर एड्रेस आपकी ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ही है। और अब हम बात करेंगे थोड़े राउट्स पर, कि मान लीजिए मुझे ठीक है ना, यहाँ स्लैश अगर मैं मोबाइल्स करूं, ठीक है ना, तो इस पोर्ट नंबर के बाद अगर आप स्लैश लिख के अगर कुछ भी आप लिखते हो तो वो कहलाता है राउट नेम, ठीक है ना। इस यूआरएल में 8000 के बाद अगर आप कुछ भी लिखते हैं स्लैश लगा के, अगर कुछ भी कहते हैं तो वो क्या कहलाता है, राउट कहलाता है। क्या कहलाता है, राउट कहलाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे राउट्स के स्क्रीनशॉट आप बताएंगे और वो पता करेंगे कि हाँ सर मैंने जो है कुछ वेबसाइट्स इन्वेस्टिगेट करी हैं, और हर वेबसाइट में राउट होता है। देखो flipkart.com/TTY, अब ये TTY का क्या मतलब है हमें नहीं पता, मगर मुझे एक बात तो पता है कि अनिल सर ने ये बताया है कि ये जो हमारा वेबसाइट का एड्रेस है उसके बाद स्लैश के बाद अगर कुछ भी होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई वेबसाइट आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी जिस पे राउट नहीं होते। आप देखो ये फ्लिपकार्ट है यूज करते हो आप, अमेजोन है यूज करते हो आप, अमेजोन की वेबसाइट पर मैं जाऊं, अमेजोन अमेजोन है ना, अमेजोन .in.com जो भी है आप ओपन कीजिए, है ना। मैं इंडेक्स पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेक्स पेज के अलावा किसी दूसरे पेज पे जाके आप कोशिश करना तो वहां पर क्या आ जाएंगे, आपके राउट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर किसी पे भी क्लिक करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस हार्ड डिस्क पे क्लिक करूं तो स्लैश वेस्टर्न डिजिटल समथिंग समथिंग स्लैश समथिंग समथिंग, व्हाट इज दिस, दीज आर राउट्स, है ना। सो फॉर अ वेब एप्लीकेशन राउटिंग सिस्टम इज वेरी क्रूशियल, और राउटिंग सिस्टम से आप एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हो। सो किसी भी वेब एप्लीकेशन में एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जंप कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ राउटिंग सिस्टम, ठीक है ना। सो लारावेल के अंदर हमारे पास ऐसे राउटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट सिस्टम करूं यहां पर और मैं इसको बोलूं राउटिंग सिस्टम इन लारावेल, ठीक है ना। सो इसी एड्रेस को मैं ले लेता हूं, ठीक है ना, ये मैंने लिया। और पोर्ट नंबर के बाद में, हालांकि रियल वेबसाइट पर पोर्ट नंबर होते नहीं है, वो तो बाद में हमें जब वेबसाइट हम अपलोड करते हैं तो वो पोर्ट नंबर सारे हट जाते हैं,
डायरेक्ट हमें क्या दिखने लगता है, डोमेन नेम दिखने लगता है। बट यू मान के चलिए कि जब हम लोकल काम करते हैं तो वो पोर्ट के साथ ही करते हैं, जब इसको जिस दिन हम इंटरनेट पर चढ़ा देते हैं तो पोर्ट नंबर गायब हो जाता है, डायरेक्ट हमें तो नेम दिखता है ना, जैसे anildollar.com है ना, सिर्फ हमें वो डोमेन नेम दिखता है, हमें आईपी और पोर्ट नंबर नहीं दिखते हैं। वो सेटिंग्स भी आपको मैं बाद में चल के जब डेवऑप्स की चीजें सिखाऊंगा तब तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट इतना ध्यान रखना है कि पोर्ट नंबर के बाद अगर कुछ भी है तो उसे हम राउट बोलेंगे बेसिकली, और वो स्टार्ट होता है स्लैश से। कैसे स्टार्ट होता है? स्लैश से स्टार्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से चाहिए कि, ठीक है ना, यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए कि मैं स्लैश अनिल लिखूं तो मुझे व्यू पर क्या मिल जाए, हेलो अनिल मिल जाए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर स्लैश फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गुंजन लिखूं तो यहाँ पर क्या आ जाए, हेलो गुंजन आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से मुझे व्यू पर आउटपुट देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर अनिल लिखता हूँ, स्लैश अनिल लिखता हूँ और इंटर करूंगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए व्यू पर, हेलो अनिल लिखा हुआ आना चाहिए। कहीं पे भी आवे, यहाँ आवे, सेंटर में आवे, कहीं पे भी आवे, मगर लिखा हुआ क्या मिलना चाहिए मुझे, हेलो अनिल मिलना चाहिए। यहाँ पर जैसे ही मैं गुंजन लिखूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर गुंजन लिखूंगा और इंटर करूंगा तो हेलो गुंजन लिखा हुआ आना चाहिए। तो ऐसा हम क्या प्रिपेयर करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रिपेयर अ राउटिंग सिस्टम, ठीक है ना, कि पर्टिकुलर इस राउट पर ये मैसेज आ जाए, इस राउट पर ये मैसेज आ जाए, ऐसा कुछ हम सिस्टम प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो लारावेल का जो राउटिंग सिस्टम है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ फाइल कॉल्ड वेब डॉट पीएच, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट बात है, राउटिंग सिस्टम यहाँ पर, लारावेल राउटिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ फाइल कॉल्ड वेब डॉट पीएचपी, विच इज अंडर दी राउट्स फोल्डर, विच इज अंडर दी राउट्स फोल्डर। सो द कंप्लीट लोकेशन क्या है उसका, कि मिलेगी आपको रूट लेवल पर आपको कौन सा राउट्स फोल्डर मिलेगा, राउट्स फोल्डर के अंदर आपको कौन सी फाइल मिलेगी, वेब डॉट पीएचपी फाइल मिलेगी, है ना। ये पता है उसके घर का, पता है ये फाइल कहाँ रहती है, कहाँ पड़ी हुई है, तो वो उसका एड्रेस आपको पता चलेगा कि जब आप इसका सोर्स कोड खोलोगे तो वो वेब डॉट पीएचपी, मुझे राउटिंग पे काम करना है, मुझे स्लैश अनिल लिखना है, मुझे स्लैश अनिल लिखना है और वहां पर मेरे को हेलो चाहिए, स्लैश गुंजन लिखना है, तो ये राउट्स मुझे अगर डिफाइन करने हैं तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, वेब डॉट पी एच पी में जाना पड़ेगा। तो वेब डॉट पी एच पी में हम गए, ये वेब डॉट पी एच पी में गए और पहला राउट ये जो दिख रहा है ये स्लैश राउट है ना, ये स्लैश राउट है। इसी को जस्ट इन दो लाइंस को आपको कॉपी करना है और यहीं नीचे पेस्ट कर देना, और यहाँ पर आपको स्लैश अनिल लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये रिटर्न जो हो रहा है ना, रिटर्न पर आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, सिर्फ एक स्ट्रिंग, चाहे तो आपकी मर्जी पड़े सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन। सो यहाँ पर मैंने बोल दिया हेलो अनिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लारावेल को डिफाइन कर दिया कि जब भी कोई स्लैश अनिल को हिट करे तो उसको क्या मैसेज दिख जाए, हेलो अनिल दिख जाए, जो कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था पहले ही, है ना, कि स्लैश अनिल पर हेलो अनिल मिलना चाहिए। तो चलो ये मैंने कर दिया डिफाइन, फाइल को सेव भी करना जरूरी है, अगर मान लीजिए मैंने कुछ चेंजेस किए तो ये व्हाइट डॉट आएगा, व्हाइट डॉट मतलब फाइल सेव नहीं है, तो जब फाइल सेव नहीं है तो आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा आपको, फाइल को पहले आपको सेव करना पड़ेगा। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, अब यहां पर मैं जाऊंगा यूआरएल पर, स्लैश में क्या करूंगा, स्लैश स्लैश अनिल करूंगा, तो मुझे आउटपुट देखने को क्या मिल रहा है, हेलो अनिल। अगर मैं अब जाके स्लैश गुंजन करूं तो नॉट फाउंड आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अनिल स्लैश अनिल राउट को डिफाइन किया है मगर गुंजन राउट को मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया। तो अगेन आप क्या करोगे, जस्ट कॉपी इन दो लाइंस को कॉपी करना,
राउट कॉलन गेट गेट, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी एटलीस्ट ये समझ लो कि राउट क्या होता है और लारावेल के अंदर डिफाइन किस फाइल में जाके करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है उसके लिए सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो स्लैश मैंने गुंजन लिखा और यहाँ पर हेलो ये मैंने गुंजन लिखा, ठीक है ना। अब जाके मैं यहाँ पर इसको अगर मैं वापस से करूंगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्लैश गुंजन जाके अगर मैं हिट कर रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, हेलो गुंजन मिल रहा है। और मैं स्लैश अनिल करके अगर एंटर करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या दिख रहा है, देखने को हेलो अनिल देखने को मुझे मिल रहा है। इस तरीके से आप 10-15 राउट्स आप डिफाइन करना और मैसेजेस आप इनको कर सकते हैं, ये से रिटर्न आप करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज हो गई। और एक लास्ट चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको पूरा के पूरा व्यू रिटर्न कैसे करवाना है तो आप इसका फर्स्ट सैंपल कोड ही आप देख लेना। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और राउट डिफाइन करना है, इसी का मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी का मैं कॉपी कर लेता हूँ और स्लैश यहाँ पर मैं बोल देता हूँ अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेलो ये मैसेज ना आते हुए मुझे एक एचटीएमएल का क्या चाहिए, स्ट्रक्चर रिटर्न चाहिए, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर रिटर्न चाहिए, ठीक है ना। तो वो मैं इसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, यहाँ से मैंने क्या डिफाइन किया अभी, और देखिए रिटर्न में व्यू फंक्शन के अंदर वेलकम लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये वेलकम किसको डिनोट कर रहा है, ये रिसोर्सेस के अंदर व्यू के अंदर इस फाइल को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ वेलकम की जगह मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी नाम से मैंने एक यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो मुझे यहाँ पर व्यूज के अंदर किस नाम से फाइल बनानी पड़ेगी, अभी डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ये देख देख के सीख जाओ। अगर उधर वेलकम लिखा हुआ है तो इधर किस नाम से फाइल बनी हुई है, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अगर उधर मैंने अभी लिखा, व्यू के अंदर मैंने अभी लिखा, इसका मतलब रिसोर्सेस के अंदर व्यूज के अंदर मुझे किस नाम से फाइल बनानी पड़ेगी, अभी डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, है ना। कैसे बनाना पड़ेगा, अब ये ब्लेड फाइल तो खाली पड़ी हुई है, वो ब्लेड फाइल खाली पड़ी हुई है तो मैं तो सिंपल एचटीएमएल का एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ और यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, माय फर्स्ट वेबसाइट, यहाँ H1 में, ये बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, सभी को आता है आपको, ठीक है ना। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, हेलो माय नेम इज अभिषेक, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया। अगर मैं अब जाके राउट पर स्लैश अनिल की जगह मैंने स्लैश अभी किया और इंटर किया, अब मुझे क्या मिल रहा है, HTML का स्ट्रक्चर रिटर्न मिल रहा है। इसको आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, आप इंस्पेक्ट पे जाना है और आप देखना इस स्ट्रक्चर को चूज किया तो देखो बॉडी के अंदर ये पूरा वो के वही स्ट्रक्चर आ रहा है आपका, ठीक है ना। H1 आ रहा है बॉडी, और यहाँ पर आप देखना ये टाइटल में माय फर्स्ट वेबसाइट, ये टाइटल देखो, ये टाइटल, और बल्कि ये यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था, अनिल अनिल में ऐसा नहीं हो रहा था, अनिल में टाइटल कंट्रोल में ही नहीं था मेरे, और ना ही कोई स्ट्रक्चर कंट्रोल में था, ठीक है ना। तो आपको अगर अपने व्यू कंट्रोल में चाहिए, अगर आपको राउट्स के थ्रू कोई कोई पेज रिटर्न करना है, एचटीएमएल स्ट्रक्चर मतलब अ वेब पेज, इफ यू वांट टू रिटर्न अ वेब पेज, ठीक है ना, इफ यू वांट टू रिटर्न अ वेब पेज, एचटीएमएल स्ट्रक्चर मतलब क्या, एक वेब पेज, किसी भी राउट पर मैं वेब पेज भी रिटर्न करवा सकता हूँ। तो जनरली इन वेबसाइट्स में होता यही है ना कि स्लैश टीटीवाई पे किया तो ये दूसरा पेज आ गया, मैं स्लैश स्लैश कुछ और किया तो तीसरा पेज आ गया, स्लैश कुछ और किया तो चौथा पेज आ गया। तो मल्टीपल पेजेस से राउटिंग से कंट्रोल होते हैं मल्टीपल पेजेस, ये हम धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे हम इन बातों को, ठीक है। तो आपको आज यही करना है कि आप लारावेल के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करना इस वाली कमांड से, इस वाली कमांड से, और साथ साथ में पीपीटी को ओपन करते हुए भी देखना कि आपके लारावेल के प्रोजेक्ट के इंस्ट्रक्शंस आप एक्सएम्प में रखना, एक दो प्रोजेक्ट, और एक दो प्रोजेक्ट आपकी जहां मर्जी पड़े वो लारावेल के प्रोजेक्ट साथ रख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद आप आर्टिसन कमांड से लारावेल की एप्लीकेशन को चालू करना, उसके बाद कुछ राउट्स आप अपने डिफाइन करना, और ये राउट्स कम से कम 15-20 राउट होने चाहिए, जिसमें नॉर्मल टेक्स्ट भी रिटर्न करवाना, ये हेलो अनिल और हेलो गुंजन ये नॉर्मल टेक्स्ट है, मगर ये अभी वाला जो है ना ये मैंने क्या रिटर्न करवाया, वेब पेज रिटर्न करवाया, और वेब पेज को कंट्रोल करता है ब्लेड फाइल,
ठीक है ना। तो फाइल का नाम कुछ भी दे हो मगर लास्ट में डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी होना चाहिए, और उस ब्लेड फाइल के अंदर हम एचटीएमएल का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऐसे कम से कम आपको कितने राउट्स बनाने हैं, 15 से 20 राउट्स आज बना के टेस्ट करके आप स्क्रीनशॉट आप मुझे देना कि इस राउट पर सर ये पेज लोड हो गया, इस राउट पर सर ये पेज लोड हो गया। धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे।